रिकॉर्ड तो गाए बगाए जो है वो कोई ना कोई मशहूर होता रहता है, और सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ था वो मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत के प्रोग्राम के अंदर एक मरतबा एक रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैंने सर के ऊपर कोकोनट रखकर जो है वो बेसबॉल बैट के जरिए जो है वो तोड़वाए थे आज से कोई 9 साल पहले। और उसके बाद फिर एक वॉलनट का रिकॉर्ड था जो सर के साथ मैंने वॉलनट ब्रेक किए थे, उसमें मेरा मुकाबला हुआ था इंडिया के साथ 1-1 इटली के एक टीवी शो के अंदर लोशो का रिकॉर्ड के अंदर, तो उस रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा पसीराई मिली थी। राशिद का मुकाबला राशिद के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ये कितना मुश्किल होता होगा कि आप भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, आपकी वाइफ भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं, आपकी बेटी भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं, तो ये तो बड़ा प्रेशर होगा कि बाबा का रिकॉर्ड तोड़ना है। वाइफ कह रही होगी मैंने अपने हस्बैंड से आगे जाना है। देखिए बेटी जो है ना बेसिकली सबसे पहले बेटी ने हाल में रिकॉर्ड बनाया था आज से 4 साल पहले, अभी वो 10 साल की है, 11 साल की होने वाली है, तो उन्होंने आज से 4 साल पहले हाल में रिकॉर्ड तोड़ा था। वो दुनिया की सबसे कम उम्र मुबारक आपको, इतने ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने लगाए और कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने तोड़े, ये कैसे किया आपने? देखिए जी मैं प्रोफेशनल मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, तो बहुत टाइम से जो है मैं वो मार्शल आर्ट के लिए रिकॉर्ड बना रहा हूँ, और सेंचुरी को मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका था, 101 आलमी रिकॉर्ड जो है मैं बना चुका हूँ, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से जो है मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स भी इशू हो चुके हैं, तो अब कुछ बड़ा करने का और कुछ प्रिंट करने का इरादा था, तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा और डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाए। दो दिन के अंदर आपने 20 रिकॉर्ड तोड़े, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है कि जो आपने वो तोड़ा और आप जीते तो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ? देखिए अगर 20 साल में रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो सारे रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन एक मार्बल टाइल ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था, उसके अलावा एक रिकॉर्ड था जर्मनी का जिसमें मैंने हाथ में अंडा पकड़कर और जिसमें मुझे वॉलनट ब्रेक करने से 252 का रिकॉर्ड था जर्मनी का। और तकरीबन जब मैंने पहली मरतबा आलमी रिकॉर्ड बनाया था तो जिन शख्स का ये आलमी रिकॉर्ड है उसका नाम है करामिनोविक, और ये मेरे फेवरेट है और मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। उन्हीं का रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी रिकॉर्ड ब्रेक। वाह, तो राशिद साहब ये कैसे किया, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, किस तरह से प्लान करते हैं आप? देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, और कुछ बहुत ज्यादा बड़े एथलीट्स हैं जो भारतीय और जिस जर्मनी के कुछ हैं और कुछ चाइना के एथलीट है, तो उनके साथ मेरा बड़ा आजकल मुकाबला चल रहा है, और 1-1 भी मेरा भारत के साथ मुकाबला होता है इटली के अंदर जब मैंने उनको शिकस्त दी थी वॉलनट ब्रेकिंग के मुकाबले में हेड के साथ। लेकिन अभी जो है मेरा जो टारगेट है वो मतलब कि मार्शल आर्ट की हर कैटेगरी को हिट करने का जो टारगेट है वो मैंने बेसिकली पूरा करना था। ये बताइएगा राजन साहब कि आपका जो पैशन है या आपका जो प्रोफेशन है, जैसे आपने बताया मार्शल आर्ट के जो है वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो ये बताइएगा क्या सिर्फ यही आपकी ड्राइविंग फोर्स है नए नए रिकॉर्ड बनाने में, या पैसे अच्छे मिलते हैं? देखिए जी पैसे मुझे मार्शल आर्ट की जो रिकॉर्ड्स मैं बना रहा होता हूँ उसके मुझे पैसे नहीं मिलते, और ना ही कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उसके पैसे देता है। ये मेरा शौक है अपने मुल्क के नाम को बुलंद करने के लिए, मैं पूरी दुनिया में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता हूँ। जर्मनी गया हूँ मैं, इटली गया हूँ, कोरिया गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, और चाइना जा चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके जो है मैंने बहुत से जो है वो आलमी रिकॉर्ड्स मैंने बनाए, और हर मुल्क में जाके जो है वहाँ के टीवी शोज में जाके पार्टिसिपेट किया। जापान से मेरे घर पे जो है वो टोक्यो टीम की टीवी आके बकायदा मुझ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है, और मैं जितनी स्पीड में आप रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ये बताइएगा कोई ऐसा रिकॉर्ड के जिस जो आपने ब्रेक किया या जो नया रिकॉर्ड बनाया तो उस पर सबसे ज्यादा पजीराई मिली आपको? रिकॉर्ड तो गाए बगाए जो है वो कोई ना कोई मशहूर होता रहता है, और सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ था वो मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत के प्रोग्राम के अंदर एक मरतबा एक रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैंने सर के ऊपर कोकोनट रखकर जो है वो बेसबॉल बैट के जरिए जो है वो तोड़वाए थे आज से कोई 9 साल पहले। और उसके बाद फिर एक वॉलनट का रिकॉर्ड था जो सर के साथ मैंने वॉलनट ब्रेक किए थे, उसमें मेरा मुकाबला हुआ था इंडिया के साथ 1-1 इटली के एक टीवी शो के अंदर लोशो का रिकॉर्ड के अंदर, तो उस रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा पसीराई मिली थी।
और उसके बाद मुझे जो है वो पाकिस्तानी आवाम से बहुत इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स तो बड़े खतरनाक हैं जिसका खुदा ना खास्ता अगर कोई नुकसान होता तो डेफिनेटली बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये कैसे करते हैं आप, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं आता, फैमिली मना नहीं करती है? मेरे वाले साहब की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं था, जब मैं मार्शल आर्ट नहीं करता था, तो उस वक्त भी वो हमेशा मेरे सामने जिक्र करते थे कि यार आपकी दादी कहा करती थी कि देखना एक दिन मेरा पोता जो है वो ना वो कुछ जो है ना बड़ा करेगा। तो इसी वजह से मेरा जो नाम था वो राकिब मिन्हाज जो शहीद है उनके ऊपर ही रखा गया था। तो आपने फिर सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपने ये बनाया कि आपने 2 दिन में 20 रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी नहीं, इससे पहले भी मैं 101 आलमी रिकॉर्ड तो बना चुका हूँ ना। 2014 के अंदर मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया था। ये 20 आलमी रिकॉर्ड तो ये मैंने 29 घंटों के अंदर बनाया। क्या बात है, तो आपके लिए तो फिर राशिद साहब रिकॉर्ड तोड़ना घर की बात हो गई है। तो कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म लाना चाह रहे हैं आप जिससे आप आने वाले बच्चों को जो मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कोचिंग करें, और फ्यूचर प्लान क्या है आपके? देखिए, मैं सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ बच्चों को, और मेरे 14 शागिर्द जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हम दर्ज करा चुके हैं, और मेरे बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। और एक और बात मेरी सुन लीजिएगा, इसके अंदर मेरी वाइफ है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी बेटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और मेरे फादर जो है वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसके अलावा मेरे 14 शागिर्द गिनीज रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज कराया है। तो जो फन मुझे आता है वो मैं नई नस्ल के अंदर भी मुंतकिल कर रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि खुद ही आलमी रिकॉर्ड बनाया जा रहा हूँ, और मेरे कई शागिर्द हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चैंपियन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक शागिर्द तो माशाल्लाह आपकी फैमिली का भी टाइटल होना चाहिए, गिनीज बुक फैमिली। तो राशिद साहब ये बताएं कि अपनी कोई इस तरह की किताब ले आए फिर जिनमें रिकॉर्ड बनाए जाए। देखिए जी, राशिद का मामला राशिद के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ये कितना मुश्किल होता होगा कि आप भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, आपकी वाइफ भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं, आपकी बेटी भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं। तो ये तो बड़ा प्रेशर होगा कि बाबा का रिकॉर्ड तोड़ना है, वाइफ कह रही होगी मैंने अपने हस्बैंड से आगे जाना है। देखिए जी, बेटी जो है ना, बेसिकली सबसे पहले बेटी ने हाल में रिकॉर्ड बनाया था आज से 4 साल पहले, अभी वो 10 साल की है, 11 साल की होने वाली है। तो उन्होंने आज से 4 साल पहले आलमी रिकॉर्ड तोड़ा था, वो दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 7 साल की थी। जब वो 7 साल की थी तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वेरी नाइस। इसके अलावा हमारी बेस्ट विशेस जो है वो आपकी पूरी फैमिली के साथ है, और पाकिस्तान में जितने लोग भी कामयाब होना चाहते हैं उन सबके साथ हैं। मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के हीरो हैं अब तो, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। तो इस तरह के हीरोज हैं उनके हमें जरूरत है। किसी दिन चाहेंगे राशिद साहब के साथ दादी भी आए अपने हमारे प्रोग्राम में, वो भी बताएं अपने रिकॉर्ड से मुतालिक।